ये हफ्ता मेरे गुरु का जन्म तिथि आते थे और उनका जन्म तारीख, उनको जन्मदिन मनाए जाते थे। सारा हफ्ता हमारा आश्रम में, जनकपुर में, दिल्ली में आनंद मगन होता था, भजन कीर्तन होते थे, आनंद करते थे हम सब लोग। इस साल कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी मन तो नहीं मानता है, तो हम लोग छोटा सा ही अनुष्ठान करेंगे। छोटा अनुष्ठान में एक हमने बता दिया कि सभी लोग 7 तारीख को अंदर आ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर तो डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो कल से जो लोग आएंगे आप लोग में से, जो दिन के 1 बजे से लेके 3 बजे के अंदर आके जाना है, उसके बाद मुझे छोड़ना है, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाती हूँ, बैठ भी नहीं पाती हूँ। तो मैं 1 घंटा आराम करेंगे, 1.5 घंटा, फिर थोड़ा चाय पियेंगे, फिर 6:30 बजे से फिर बैठेंगे, तो 8 बजे तक देखेंगे, 8 बजे तक सबसे मिलेंगे। ये कल 5 तारीख, 6 तारीख, 2 दिन ऐसा। 7 तारीख को हम लोग भजन मंडली, सुनो अच्छी तरह से, जो लोग हम लोग भजन करते थे, भजन करते आए हैं अब तक इतने वर्षों से, मेरे मंडली जो खाली भजन, तो भजन कर रखा दिन के टाइम में, इसी दिन में बाकी लोगों से नहीं मिलना चाहती हूँ। भजन के बीच में कोई आए प्रणाम करे, डिस्टर्बेंस हो, नहीं चाहती हूँ। 1 घंटा का ही भजन होगा, 1.5 घंटा से ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए भजन होगा, इसलिए बाहर के लोग आके वो मत करें, उस टाइम में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें। थोड़ा सा भजन मन से सुनेंगे, फिर जो लोग भजन में आए हैं वो लोग आशीर्वाद लेंगे, थोड़ा प्रसाद लेंगे, सबको जो फल जो में से मिलेंगे प्रसाद दिया जाएंगे और लोग चले जाएंगे। और उसके बाद शाम को फिर वही बंद, 3 बजे तक हम लोग छुट्टी कर देंगे। मैं ऊपर रहूँगी, ऊपर से नीचे 3 बजे, 3:30 तक नीचे आ जाऊँगी, फिर जैसे भी भजन औषधि लेके भोजन के बाद थोड़ा आराम करेंगे, और फिर 6 बजे से मिलेंगे। जो शाम को टाइम ले रखे हो वो अपने अपने टाइम से आ जाना, और बाबा महाराज को प्रणाम करना, और इस तरह से छोटा सा प्रोग्राम हम लोग 3 दिन में करेंगे। और जो जो आना चाहते हैं इस तरह से 3 दिन तक सुबह शाम प्रणाम करो। ज़्यादा बात करने की अवस्था में मैं हूँ नहीं, थोड़ा मिलेंगे तो उसे मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ। और वो दुख लग रहा है कि मैं अपने सारे बच्चों को बुला नहीं पा रही हूँ, और सारे बच्चे आके बाबा महाराज को प्रणाम नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। एक दिन तो साल में हम लोग सब मिलते थे बाबा का जन्मदिन में आनंद के साथ। ठीक है, ये तो हमने बोल दिया, अच्छे से सुन लिया भजन मंडली। अरे हम 20 साल वहाँ पर, हमने 18 से 19 लोगों इतना दूरी पे, 3-3 फुट, 4-4 फुट के दूरी पे हम लोग व्यवस्था कर पाएंगे। इससे ज़्यादा ना आए कोई, जिनको आने के लिए बोला मैं वही आए, और हमारा भजन मंडली के साथ जो आना, जो भजन मंडली आएंगे, पति पत्नी या बच्चा, यही बात है, श्रद्धांजलि देना है तो कुछ कर नहीं सकते। बाद में लोग जो आएंगे शाम को वगैरह आए प्रणाम करने के लिए, थोड़ी देर बैठना चाहते हो अलग बात है, लेकिन उस टाइम मैं नीचे रहूँगी, ऊपर नहीं जाऊँगी। शाम को मैं 4 बजे बाद ऊपर नीचे आ जाऊँगी, जो फिर दोबारा ऊपर नहीं जाएंगी, क्योंकि मुझे उठाना, ले जाना, ले आना मुश्किल होता है। और आप लोग पितरों को पानी दे रहे हैं, बहुत लोग फोन कर करके दोबारा दोबारा पूछ रहे हैं, तो मैंने एक फोटो भेज दिया था, उसमें ऐसे कुछ नहीं है। जल चढ़ाओ, पितृपुरुष का नाम लो, गोत्र पुरुष का नाम लो, जल चढ़ा के उनको धूप दीप जलाओ, और हो सके बर्फी रसगुल्ला ये भी दे सकते हो, जो अच्छा दूध का कुछ, अगर नहीं दे सकते तो बताशे, देखिए प्रणाम करना है उनसे। छोटा पूजा 5 मिनट भी नहीं लगता है,
जाइए अपने मंदिर में, कहिए वहाँ बरगद में पानी डालिए, वही बस अब देखिए प्रणाम कर लीजिए, बहुत बड़ा पूजा नहीं है। और अब हम लोग थोड़ा साथ में, आप लोगों को कैसा चल रहे हैं, आप लोग स्वर वर्ण मातृका वर्ण के अंदर, मातृका वर्ण से जो स्वर का उत्पत्ति होता है, स्वर को सही किया कि नहीं, वो तो आप ही जानते हो। लेकिन जब तक स्वर को सही नहीं करेंगे, स्वर में से ध्वनि हो, ध्वनि से नाद तक सही होगा। जब अपने प्रथम स्वर को ठीक से उच्चारण करेंगे, वो स्वर है उसे ध्वनि यानी लंबा चलेगा, ध्वनि से नाद तक जाओगे और नाद तब स्पष्ट आएंगे। तो नाद को आपको सुनना है, तो मातृका वर्णों के बारे में जानना सुनना ये तो बहुत ज़रूरी है। जो फोटो मिला भी और भी मिल जाएंगे आपको दो तीन, जो द्वितीय खंड में जो हम लोग को सीखने के लिए जितना चाहिए इसी में लोग, मैं देख रहा हूँ आप लोग जो आधा करना चाहते हैं, क्योंकि मैं बाद में बोलूँगा अभी नहीं बोलूँगा, ये क्या बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। साधना के बारे में ये बात है, लय योग, मैंने लय योग के ऊपर अलग अलग बताया हमेशा। देखिए ऊपर ले गया हिम पर्वत में, वहाँ से नीचे लेके आया, फिर पर्वत में सूखा पर्वत में ले गया, वहाँ से कैसे कर सके लाया, और समतल में जो जल के ऊपर दीप है उसमें चला के लेके आया। अर्थात मन, आपका मन जैसा जिस वक्त हालत मन कर रहे उसी तरह से आपने साधना में आई। देखिए जो लोग शाक्त उपासक हो, और जो मैंने सिखाया न्यास इत्यादि, न्यास क्या है, न्यास यही तो है, यही कुंडलिनी साधना है। न्यास में जो हम लोग साधना करते हैं, प्रन्यास करते हैं, सब न्यास, कितना न्यास होता है, मातृका न्यास, अंतर मातृका, बहिर्मातृका, संगार मातृका, ये सब मातृका कई न्यास हो गया, फिर विजन न्यास हो गया, फिर उसको आगे कई न्यास होता है, ये सब न्यास को करना और संभालना चाहिए। अपने खाली समय में उसको मुंह लगा के ऐसा करके अच्छी तरह से अपने जीवन में जो शक्तियाँ जो माताएं हैं कि किस कदर हमारे साथ काम करते हैं, तो अपने आप को फीलिंग होगा कि हम जो बातें साधारण बात भी करते हैं, अपने पारिवारिक बात करते हैं, दुख सुख भी बोलते हैं, तो वो भी यही शब्द मात्र कैसे जो करते हैं। और कि अपने पास से कुछ शब्द हैं, इस संसार में जितनी जाति प्रजाति जितना डिफिनेशन है सब कुछ ही तो यही 50 शब्द के अंदर बोलते हैं। हम लोगों को जो विपरीत न्यास है, आपने देखा होगा मातृका न्यास, 50 लिपि वीर विभक्त मुखो तो पन्न मदम बक्षस्थलम, तो उसमें हमने वहाँ पर पूरा पूर्णधारी का बोल दिया, यानी हम लोगों में गुरुओं ने दिया जल्दी जल्दी। जो लोग साधना में ऊपर चरण अवस्था में है उसी अवस्था में वो लोग ये मंत्र जान के देते हैं, ताकि वो लोग कुछ उपलब्धि कर सके। मातृका वर्ण में जो नीचे का वर्ण होता है वो बहुत सख्त है उच्चारण, क्योंकि जितना हम लोग आसान है, आ आसान है, ई आसान है, पहला वर्ण जो है हम लोग अच्छा कर लेता है, फिर क क कहाँ से बोलते, क ख ग ग उंग, देखो कोई मुख से कोई गले से कोई इधर से कोई उधर से, फिर नाक से टांग से करते हैं, तो पहले शुरू में जब हम बोलने लगते हैं कितना आनंद होता है, मामा हमने बोल दिया, मामा हमने बोल दिया, जब मामा बोल समझे ना समझे, फिर तो बच्चे ने कि तोतले बोली, जो तोतले पहला बच्चा बोलता है तोतले मम्मा, तो पुत्र शब्द तो माँ ही है ना, आपको मातृका वर्ण का जो मैंने दिया है आप लोगों ने देखा होगा उसमें जो प्रथम शब्द बच्चे बोलते हैं माँ बोलते हैं, और हिंदू
मातृक वर्ण को ब्रह्ममय बोला है और उसको उस तरह से पालन करके मंत्र को पोषण करके मंत्र को जापना चाहिए। जिसे गुरु मंत्र कान में डाल देते हैं उसे सुनो समझो, गुरु का मुख से सुनो, अपने आप सुनो और बोलो। आप लोग कई टाइम में मैं कहता क्रिंग, आप लोग नहीं बोल पाते, क्रिंग बोलते हैं, श्रीम बोलते हैं तो आप लोग उसमें भी नहीं कर सकते हो, क्रीम बोलते हैं नहीं बोल पाते हो, अपने अपने ढंग से बोलते हो, तो इसे किसी किस्म का मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। इसमें एक ही बात है, जितना जल्दी हम शुद्ध उच्चारण करेंगे उतना जल्दी हम गुरु का आंचल से बाहर चले जाते हैं, एक रखे भाव होते ककरे उठाए जमीन से। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आज प्राणायाम थोड़ा कर लेते हैं। लय योग का जो हम बात कर रहे थे, लय योग बहुत अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को सिखाया, कई ढंग से सिखाया, कई तरीके से सिखाया। लय योग पांच तत्वों के ऊपर बात है, यानी हमारे शरीर में जो पांच मूल तत्व है उसका प्रतिनिधित्व करता है, चाहे घर में कर ले चाहे कहीं भी पड़ा हुआ है वहीं से भी करा सकते हैं, गुरु कोई ऐसा नहीं छोड़ते हैं। तो आज एक लय योग आप लोगों को थोड़ा बताते हैं, छोटा है ये। जब हम लोग द्वीप में रहते हैं हम वहाँ पर अपने को संसारी समझो, कि जब मैं पानी के ऊपर वाला सुंदर हरे द्वीप है उसमें पक्षी घूम रहा है, खरगोशें घूम रहा है, कितना कुछ और लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं, हरे हरे घास है, सुंदर सुंदर वृक्ष है, फल है, फूल है, बहुत कुछ है, सुगंध है, गुत उसमें घी घी और मधु भी टमक रहा है, कि पीपल का पेड़ है या गारबरगद के पेड़ है वहाँ उनको बृंदा में लिया जाता है, उनको आप कोशिश तो ये हो गया जल। जो हम लोग पानी के ऊपर दीप है, दीप में जो वास्तविक वस्तु है ये जड़ वस्तु है, जैसा हमारा शरीर ये जड़ वस्तु है, स्थूल वस्तु है, एक जगह में रह जाता है तो उसी जगह को अपना समझने लग जाता है, उसी जगह को सस्ता ये मेरा है और किसी का नहीं है। वस्तु को होता है ना, अपने घर को भी एक कबाड़ा भी होता है तो तुमने क्यों ले लिया, वो मेरा है, तो हर उस वस्तु से प्रेम करने लग जाता है जो जीवन भर के लिए नहीं है, थोड़ा समय के लिए पाए जाते हैं, तो उसे मन संकीर्ण होता जाता है, छोटा होता जाता है और अपने शरीर को और भी जड़ बना लेता है। लेकिन जल जो तरल है हमारे आसपास है, वो जल तरल जल आके हमें को मारना धोना शुरू करता है, उछल उछल के, और धोते धोते सब पिघल जाता है और पिघल के वो आगे चलना जल के साथ मिल मिल के चले जाता है। जो वहाँ एक अस्तित्व था ये था, वो जो दीप था वो खत्म हो गया। ऐसे ही जैसा हम लोग हैं, जब तक जीवित है तब तक ना है, हम जब जीवित नहीं है क्या हो गया, सब चला गया, खुले पार्ट्स की तरह चले जाते हैं, जैसा जल मट्टी मट्टी चले जाता है, जल जल मट्टी जल में जाता है, जल अग्नि में जाता है, अग्नि वायु में जाता है, वायु आकाश में जाता है, एक एक खोल खोल के एक एक चीज़ एक जगह चले जाता है। हम लोगों को जब शरीर छूटता है तब ऐसे ही होता है, जब हमें समाधि पे चढ़ाया जाता है, अग्नि पे वो ग्राह्य विद्या है सबसे, उससे पूछता है वो क्या करेगा, जो ये जो वस्तु है इन सबको विसर्जन देने की, विसर्जन देना जरूरी है, एक एक करके अपने शरीर को विसर्जन दो, कामना वासना हमारे भीतर में जो अभाव अनाटन जो हमें बहुत कुछ चाहिए था वो मिल भी जाते हैं तो हम उनको कहते हैं वो समझ नहीं पाते। तो जड़ वस्तु जो शरीर है इसको निकालना होता है, उनको एक 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 प्लेट की तरह है, पांच प्लेट है,
उसको एक एक करके निकालना है। मैं बैठा हूँ, ये देखिए निकल गया हमारा बंदर से, मट्टी चला गया, जल मिलाए थे अग्नि जले, जल में मिलाया, जो हमारा मट्टी है जो वो मिल रहा है जल में, जल मिल रहा है अग्नि में, अग्नि मिल रहा है वायु में, वायु मिल रहा है आकाश में। तो यहाँ पर ऐसे ही समझना है, हम सब हमारा जो जड़ पदार्थ था हमें विसर्जन देना है। मैं नहीं कहता हूँ संसार को छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ, क्योंकि संतान बच्चे इत्यादि परिवार और भी बहुत चीज़ें जो संतान के साथ जुड़ा हुआ, उसके बिना आप रह नहीं सकते हो। असल में वही विलय होता है, एक एक करके हम अपने को विलय, विलय में ध्यान रखो रोज का। अगर थोड़ा सा जब जाप कर लेते हो, फिर आप लोग जाप करने के बाद में लय योग का ध्यान करो, लय योग का ध्यान करके अपने नित्य शरीर को मसल के धो डालो, उसको बैठाओ कि इसमें से ना गंदा और वो सब चला गया, रंग बिरंग सब चला गया, आज जो मिला सब बेरंग और मेरा स्थूल शरीर को मिला। तो स्थूल शरीर को हम लोग कैसे उच्चारण कर सकता है, तुलसी जी ने रामायण में भी कई जगह में बोला है, तो बाद में बताएंगे। इतना मैं कहूँगी, किसी को पढ़ के किसी को सुन के नहीं होगा, ये अपने आप का प्रयास है। तो कई टाइम प्राणायाम करने को मन नहीं चाहता, कर नहीं पाते हो, प्राणायाम जब नहीं कर पाएंगे तब हरिओम करना। देखो ये एक किस्म और एक किस्म का प्रैक्टिस बता रहा हूँ। जब आप लोगों को प्राणायाम करने को मन नहीं हो रहा है, प्राणायाम करना नहीं चाहते हो, तब आप हरिओम करो, कुंभक है ये, ऐसा करके, नहीं तो हरि ओम गाना गाते रहे। अब आस्ते आस्ते आज हम लोग बिगड़ प्राणायाम का आपको लय योग से साधना करना सिखाते हैं। आज कई लोगों ने, दीदी दुर्गा दीदी भी आए थे, तो उन्होंने भी कहा था हमें कष्ट होता है माँ, हम दो तीन करने बात करने, जो वृद्ध लोग हैं ना, जिसको 70-75 से ऊपर हो गया तो प्राणायाम करने में थोड़ा कष्ट लगता है, तो लेकिन किसी तरह से ध्यान तक तो जाना ही है ना, अपने चक्रोभेद तो करना ही है, चक्रोभेद में कोई कष्ट नहीं है, जितना कष्ट है लय करके अपने को अंदर घुसा के ले जाने तक। तो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना, सूक्ष्म शरीर छोटे से है, मैंने बताया जैसा एक सरसों का छोटा दाना के चार टुकड़ा के टुकड़ा है। तो आप लोग प्रथम में जो प्राणायाम नहीं करना चाहते हो, थोड़ा सा शरीर को आगे पीछे सांस को लेने के बाद आप बोलिए हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम, ऐसा करके हरि ओम। आज मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ना, ऐसे हा छोटा हो गया, ये चार के जगह में आ जाएगा, री 16 के जगह में आ जाएगा, ओ ये 8 के जगह में आ जाएगा, हरिओ, ये तीनों कुंभक है। जब हम लोग प्राणायाम का अंतर्गामी और बाहिर्गामी में पूरक उसको स्थापित करना और उसको भी निकलना, ये जो करना हमारा जब नहीं होता है, तो हम लोग सहज अवस्था में, गुरु जी कहते थे सहज अवस्था में हरिओम का जाप करके जितना देर आप कर सको उतना कर लो, फिर उसको करो। तो आज हम लोग वही कर रहे हैं, थोड़ा सा हरिओम करते चलो, हाँ।
बाद थोड़ा सा ना कर लो और थोड़ा 1 मिनट थोड़ा चैन से बैठ के फिर अपना सामने आँख को बंद करो, इन्हें सपाट आँख यहाँ सपाट बंद करो ऐसा, और ऐसा करो 2 बार 3 बार ऐसा करो, अपने कपाल में बाएं से दाएं जाओ, दाएं से बाएं जाओ, फिर बाएं से दाएं जाओ, देखो कितना अच्छा रंग आ रहा ना। देखिए अपने स्थान पे बिल्कुल सेंटर पे इस वक्त कितना सुंदर ब्लू मैजेंटा इकट्ठा आ रहा है और उसमें कुछ कोई कुछ जैसे बोल रहा है, लेकिन उसको ध्यान नहीं देना। फिर रंग हंसते हंसते उस रंग में अपने को लगो कि मैं वो रस रस का पतीला है और हम उसके अंदर जा रहे हैं, उस रंग को लिक्विड समझो, पतले पतले सुंदर सुंदर रंग, वो जैसे ऐसा है हम उसे डुबकी मार रहे हैं। डुबकी मारने से कितना आनंद, जब शरीर में गर्माहट होता है तो कितना हम लोग को अजीब सा लगता है, नहाते धोते पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, नहीं चाहिए गर्मी, नहीं चाहिए गर्मी हम लोग को, यही दो। तो इस वक्त आप वैसी हालत हो गई यहाँ पर भी, हंसते हंसते इसको अब मन को जो है एक जगह में लो, मन को एकदम स्थिति पे ले आना और ला के वो रंग के अंदर। देखिए हम लोग डूब रहे हैं लेकिन उस रंग में जितना हम लोग खलबली मचा रहे हैं तो उसमें से रंग आ रहा है। देखो जितना आप लग रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं लेकिन नहीं, मैजेंटा फिर आगे देखिए ब्लैक फिर ब्लू फिर येलो, देखो बढ़ रहा है, मतलब हमारा जो भीतर में जो ये जो कमल है ना, ये कमल एक साथ हो जाने से वो ऐसा जलाशय जैसा बन जाता, सब रंग उसमें घोल खाते जैसा, ऐसा ऐसा करके घोल रहे हैं, हम बीचों बीच है तो हमें उसको दिखाई दे रहा है। ऐसे हम आगे को जाएंगे, उस नीचे आएंगे, वहाँ से रंग रंग में से हम एकदम रंग में गया और वहाँ से प्रेक्षक गया। मैं एक बात बता रहा हूँ, हम ऊपर से आ रहे हैं, ध्यान दीजिए, ऊपर मतलब हम लोग आज्ञा चक्र से आ रहे हैं, इसमें बहुत रंग देखा, बहुत कुछ देखा, आस्ते आस्ते रंग चक्र में प्रस्तुत वहाँ पर प्रस्तुति दिया। वृंदावन जैसे मन को एकदम साफ कर दो और हम लोग अब नीचे को जा रहे हैं, नीचे को जा रहे हैं, नीचे को जा, एक एक चक्र आज्ञा आज्ञा से हम लोग आज्ञा विशुद्धा विशुद्धा से हम आ गया अनाहत, अनाहत से हम आ गया मणिपुर, मणिपुर से हम आ गया नीचे और स्वादिष्टन, स्वादिष्ट से हम लोग फिर उसमें आया मूल में आया, मूल में आके फिर उस स्थान दिखेंगे जहाँ हम गए हैं जो स्थूल स्थान थे, बहुत कुछ है वहाँ पर,
सब कुछ छोड़ के आए थे वहाँ आ जाते, लेकिन मन उस टाइम रोता नहीं, कुछ करता नहीं। आस्ते आस्ते नीचे आया, नीचे आया, आके मूल के नीचे आ गया। अब ये प्रोसेस आपने देखा होगा, हम ऊपर से यहाँ से आज्ञा से नीचे आए हैं, नीचे अब आके यहाँ नीचे मूल में आके ठहरा, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे जो मूल है उस मूल के हम ठहरे, और उस मूल से हम अंदर जा रहे हैं। कोशिश करें हमारा छोटा सा ओशो, हम निकल के आ रहे हैं बाहर की तरफ, और हम लोग उसको नीचे ट्रायंगुलर से अंदर जा रहे हैं, एक एक करके ट्रायंगुलर से अंदर जाएंगे। गणपति आए, देखो गज जी आए, गज को प्रणाम करो, छह सूंड वाला गज को प्रणाम करिए। दाई उनके दाई ओर में देखिए गणपति बैठे हुए हैं, दाई लेफ्ट साइड में दाई इधर देखिए, हम लोग ऊपर चल रहे हैं, भूख उसमें दिख रहा है। और आस्ते आस्ते देखिए वहाँ पर दाएं तरफ क्या दिख रहे हैं आपका, दाएं तरफ आपको दिख रहे हैं गणपति अपने उसके साथ बैठा हुआ, और आप उधर से ऐसा करते हुए अंदर घुस रहे हैं। वो ट्रायंगुलर का बीचों बीच आ गया जहाँ वो अमृत कलश रखा हुआ है, उसका अंदर नीचे से हम बाहर आए। अब ऊपर जाना है, आस्ते आस्ते हम ऊपर की तरफ आते हैं, आके वहाँ ब्रह्मा पिता माँ को मिलता है, माता को मिलते हैं, और बहुत लोग हैं जिनको चिंते जाते हैं। नीचे आ रहे हैं, और अब हम लोग कहाँ हैं, कुंभ के नीचे, कुंभ के वहाँ पर शिवलिंग है हमारा परंपरा से, जो हम लोग बच्चे हैं तो वहाँ शिवलिंग उसके गले में सरपेंट पावर तीन उसमें पड़ा हुआ है, और जो कलश है उसके ऊपर जो कलश से करेंगे हम लोग, तो कलश में तीन वो पेंच लगा के उसको मुंह के ऊपर बैठे हुए हैं। वहाँ भजन आ रही है, और उसमें से निकलते हैं, वहाँ बगलामुखी बैठी रहती है पीताम्बरा, जो किसी को जाने ही नहीं देती है, और समय में भी और साधन तय में भी। फिर वो बाहर आते हैं, फिर आस्ते आस्ते हम लोग ऊपर की तरफ ऐसा करके एक ट्रायंगुलर का दूसरा कोण से हम निकलेंगे, और निकल के लॉक वाइज बिल्कुल लॉक की तरह चलते हुए हम अपने वहाँ जाएंगे मातृकाओं के पास। चारों मातृकाओं को प्रणाम करेंगे उनके शब्द से, आप लोग शब्द जानते होंगे, शब्द से चारों मातृका को क्लॉज वाइज प्रणाम करते हुए करते करते हम लोग नीचे आ रहे हैं। नीचे आके बार चारों मातृ को घूम लिया, आके ब्रह्मा जी को प्रणाम करेंगे, और ब्रह्मा को प्रणाम करने के बाद उनके शक्ति को प्रणाम करेंगे, फिर वो हमें रास्ता दे रहा बीच में से, हमारी नाड़ी जहाँ से हम लोग को आज जो है मध्यम नाड़ी में चढ़ता हुआ अंदर जाएंगे, तो वहाँ से हम लोग नीचे टनल पे जाते हैं, और पीला रंग दिख रहा देखिए, और पीला के साथ सफ़ेद भी दिख रहे हैं। अब हम लोग पीला में जाए या सफ़ेद में जाए हमारा, चलो हम लोग सुषुम्ना में ही चलते हैं, जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे। सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश किया और फट 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 चलने लग गया, आया ब्रह्मघाट को अंदर हटा दिया गया, और अंदर अंदर जा रहे हैं। फिर हम दूजा में चढ़ा, स्वादिष्टन में पहुँचे, बिल्कुल वहीं पर जाके अंदर प्रवेश करके उनके उनका देवी देवता को प्रणाम करें, भगवान विष्णु साहब और उनके वाहन सबको उनके प्रणाम किया, और हम लोग आगे को जाने के लिए तैयार हो गए। आगे को जाना, फिर ब्रह्मघाट आएंगे, फिर ब्रह्मघाट को हम छुड़ाएंगे, फिर हम अंदर को जाएंगे। देखिए प्रत्येक बार ब्रह्मघाट छूटता कैसा, ऐसा लगता है लिली का फूल देखा ना माइक की जैसा, यूं खुल जाता है, और हम उसके से बाहर आते हैं और सीधा ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर वो क्लोज हो जाता है। तो ये जो जो खुलते हैं ऐसा करके, वो ऐसा रहता है तो ऐसा खुल जाते हैं, और हम उसके अंदर जा रहे हैं। जब जा रहे हैं ऊपर, अब स्वादिष्ठन की तरफ जा रहे हैं, हम वही जाएंगे जैसा मुँह गांठ खुलते हैं, हम उसको मूल से होता हुआ अंदर प्रवेश करके
मातृका को भूलिए नहीं, उन मातृकाओं को प्रणाम करते 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 एक जगह में आएंगे, फिर वो मातृका के संग उस घर का जो वहाँ अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, अपने निश्चेत्र में जाने की कोशिश करेंगे, हम उस क्षेत्र में अरुण स्थान पर पहुँच जाते हैं। वहाँ हम लोग विष्णु भगवान और उनका सहचरिणी लक्ष्मी बाई से प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद अब हम लोग प्रणाम करते हुए अब हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ जाके अब वही नारी पे लुक करेंगे ना, ऐसा सिखाए थे। आस्था से नीचे गया, वहीं से ब्रह्मा जी ने हम दोनों के बीच में रास्ता खुलता है। देखिए लाल रंग का गणपति आ जाया ना, छोटा सा बाल गणपति, देखिए हनुमान का स्वरूप है उनका, लेकिन है बाल गणपति, पीली पीली हाथ है, सुनहरे रंग का मुकुट पहना हुआ है और आके बैठ गया। हमें नहीं जाने देना चाह रहे, तो हम तो क्या करना। ऐसा कोई कई बार आते हैं, वो विघ्न करता है, इसका नाम चोर गणेश है। गणपति यहाँ छोटा बाबा है और वो साधना चुराते हैं, तो आज देखिए पहले ही आ गया। एकदम नारंगी रंग है उनका शरीर का और थोड़े थोड़े सब गहना सोने का पहना हुआ है, छोटा सा पेट है, बड़ा सुंदर रूप है। वो खड़े हो गया, जाने जाने देंगे लक्ष्मी जी और नारायण के बीच में बैठ गए, जहाँ से हमें जाना है प्रणाम करेंगे, आज्ञा लेंगे। हे गणपति विघ्नेश्वर, हमको जाने का रास्ता दीजिए। गम गणपताये नमो, गम गणपताये नमो कहते हुए आप नीचे को जाइए। वो रास्ता दे दिया, देखिए हट गया, लक्ष्मी जी की तरफ चला गया और हम लोग उन वहाँ से नीचे को जा रहे हैं। और जाके पीछे से पोल बिल्कुल पोल बोल खाएंगे हुए हम लोग फिर चढ़ते, ऐसा करके घूमते हुए ऐसा करके चल रहे हैं। हम लोग ऊपर जा रहे हैं फिर से, फिर ब्रह्म घाट आया, उनको खोला हम लोगों ने, फिर उसमें वही माइक जैसा है और उसमें देखिए पीले हैं, नीले हैं और मैजेंटा है, और एक एक तरफ जो है एकदम काला रंग है, और वो खुलते ही एकदम ऐसा हो जाता है, उसमें सब निकल के अंदर आते हैं। और जाके हम लोग ऊपर मणिपुर की तरफ जा रहे हैं, मणिपुर में की तरफ जाते, मणिपुर से हम सेंटर में जाएंगे। लेकिन मणिपुर के जानते हो क्या है, वहाँ का तापमान क्या है, बहुत भयंकर तापमान है, क्योंकि वो अग्नि है, रम है, रम जब करिए, रम रम रम। देखिए हम लोग उसके पास पहुँच गया, वो हमें जगह दे रहा है, हम अंदर को जा रहे हैं। सीधा हम जाके प्रणाम करते हैं उनका, वाहन को प्रणाम करते हैं, उसको उनको प्रणाम करते हैं, दाएं बाएं गुस्त्री को प्रणाम करते हैं। आस्ते आस्ते हम लोग ऊपर जाने के लिए रास्ता दिया। पहले मातृका को पास गए हम लोग, घूमता हुआ एक एक को प्रणाम, पूरा चक्कर मारा, फिर नीचे की तरफ आया। हम लोग को जाने का रास्ता नहीं दे रहे हैं, माँ बंद कर रखा है, दबा रखा है सारे, उनके हाथ में है। ऐसा कई टाइम साधक को इस स्वरूप को देखना पड़ता है। फिर हम लोग वहाँ पर ऊपर जा तो एक एक मातृका को आप लोग याद होगा, उनको जाप करते जाइए, जाप करिए एक एक मातृका को, करते करते दाएं से चल के दाएं जाप करते 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 ऊपर से जाके नीचे आके फिर ऐसा हेलिक्स की तरह वो देंगे, आप लोगों की फोटो भेज देंगे, देख ला कैसे चलता है, यूं करके चलते, फिर दूसरा यूं करके चलते, फिर वो लॉक कर देते हैं। लॉक जहाँ होता है वही ब्रह्म घाट होता है। तो हम लोग नीचे उतरे और नीचे उतर के देवी को वहाँ जो रुद्र है और रुद्र की शक्ति को प्रणाम किया, वहाँ उन्होंने रास्ता छोड़ा, हम ऊपर को जा रहे हैं। अब जल्दी जल्दी जाएंगे, अब स्वादिष्टन में हम पहुँचेंगे। स्वादिष्टन में जब जा रहे हैं हम लोग, वहाँ पर ब्रह्म घाट को खुले हम अंदर जा रहे हैं, रंग हमारे साथ चल रहे हैं, इन रंगों को बीच में से आप जा रहे हैं, दो दो तरफ से देखिए जो लॉक होते जा रहे हैं, उसमें सुंदर सुंदर रंग भरते जा रहा है, बड़ा सुंदर रंग आ रहा है। देखिए हम ऊपर की तरफ स्वादिष्टन में हम पहुँच गए, वहाँ पर हम मातृका के ऊपर जाएंगे, जैसे जाते हैं बिल्कुल खुलते हैं, लॉक क्लॉक वाइज हम लोग जाते हैं। एक एक माताओं को प्रणाम करते जाइए, उनको उच्चारण करिए,
एक एक शब्द को उच्चारण करते 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 प्रणाम करते से आप मंदिर में जाते हो, कई देवता होता है, आप घूम घूम के एक एक चरण छूते रहते हो, जय गणेश जय गणेश जय विष्णु जय गणेश जय लक्ष्मी करते करते जाते हो। ऐसे ही यहाँ पर उन शब्दों को बोलिए, उच्चारण करते करते घूमते 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 नीचे आइए, नीचे आके बीचों बीच आके फिर उसमें से ऊपर जाके वहाँ जो रुद्र बैठे हैं उनके शक्ति बैठे हैं उनको प्रणाम करिए नाम से, रुद्रा है नमो काकिनी शक्ति नमो राकिनी शक्ति, जो शक्ति है उनको प्रणाम करिए, बोलिए हे माते हे रुद्र महाराज हे माते हमें आगे जाने का रास्ता दीजिए। अब वहाँ से आपको वो रास्ता खोल देते हैं, आप ऊपर की तरफ उनको वाहन को प्रणाम करते हैं, फिर हम ऊपर की तरफ जाए बोल बोल के आएंगे, बिल्कुल नीचे आके पट से उठना पड़ता बीचों बीच से, फिर ऊपर जाए और जाके हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ घाट ब्रह्म घाट को खोलते हैं, खोलने के बाद हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर विशुद्ध के तरफ जा रहे हैं, वहाँ 16 पंखड़ियों वाला माता पंखड़ियों में 16 माताएँ बैठे हैं, हमने आप लोगों को सबको बीज अक्षर दे रखे हैं, उन बीज अक्षरों को जाप करना है, आपको याद रखें कि वो चुपचाप बैठे हो आप लोग, ऐसा नहीं होता है, फिर हम कैसे बोलेंगे, आप लोग बोले धीरे धीरे बोलते हुए जाए, फिर हम अंदर गए एकदम ऊपर गए, ऊपर से घड़ी घड़ी की तरह आने लगे, एक एक करके नाम 16 अक्षर आएंगे यहाँ बोलते जाइए, 2 चक्कर में पूरा करेंगे, एक एक नाम प्रणाम करते 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 आप आस्ते आस्ते घूमते 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 एक चक्कर पूरा हो जाएगा आपका, फिर दूसरा चक्कर में जाइए वहीं से, फिर दूसरा माताओं को प्रणाम करिए, 16 माता है ऐसा 16 मातृकाओं को जाप करते करते आप लोग एक अच्छी तरह से जाप करिए, पूरी पूरी मंत्र को जाप करिए, ओम बम चम चम जैसा भी आएगा ना उनको जाप करते जाइए, जाप करते 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 आप फिर से क्लॉक के ऊपर में आके नीचे की तरफ आके कंठस्थित हो, दोनों रुद्र एवं रुद्रानी शक्ति को प्रणाम करिए, प्रणाम करके उनको जो प्रणाम करेंगे वो आपको रास्ता दे देंगे, दोनों रास्ता दे दिया। अब आस्ते आस्ते फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, प्रणाम कर लिया अब ऊपर जाएंगे, आज्ञा मांग लिया माई से, तो यहाँ पर शक्ति से माँ आज्ञा मांगना चाहिए, दोनों से आज्ञा मांग के ऊपर वो रास्ता दे देते, हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर में हम लोग प्रेक्षा गृह तक जा रहे हैं, प्रेक्षा गृह में हम पहुँचे, वहाँ से वायु हमारा साथ छोड़ता है जो हमारा गति था, और हम लोग वहाँ से अब तैरेंगे किससे, सुषुम्ना नाड़ी से हम लोग अब तैरते हुए अंदर को तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ललना चक्र को छोड़ा है, सोम चक्र को छोड़ा है, मानस चक्र को छोड़ा है, आस्ते आस्ते आगे को गया और आज्ञा में प्रवेश करके आज्ञा में ईतर नामक शिव उनकी शक्ति उनको प्रणाम किया और करके उनको प्रदक्षिण कर रहे हैं, 2 ही पकड़ी है, 2 ही हम चम उनको हम चम करता घूम लीजिए, एक जगह में रुकिए, फिर आप एक रास्ता बनाए, रास्ता देखिए हम लोग यहाँ से ले रहे हैं और आगे की तरफ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो रास्ता दे देते हैं कि जो हम लोग सूक्ष्म नाड़ी में बैठे हैं वहाँ से रास्ता बन जाएगा, उनसे आज्ञा लिया हम लोग आगे को चला, आगे द्वादश में गुरु के पास जाएंगे, गुरु महाराज श्वेत रूपी वस्त्र पहने श्वेत वस्त्र पहने हैं, श्वेत स्वरूप है उनका, और उनको हम प्रणाम किया, उन्होंने अपने पैर को हटाया, ऊपर जाने दिया, हम ऊपर आ गया, आस्ते 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 6 चक्र उसमें पैरों में से हम द्वादश चक्र है वहाँ पर, हम गुरु जी जिसमें बैठे हुए हैं द्वादश चक्र को प्रणाम करके उधर आगे जहाँ हमको जाना चाहिए, इससे हम लोग ऊपर छिद्र से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, छिद्र के ऊपर से जा रहे हैं और जाके हम लोग वहीं बैठ रहे हैं, एकदम देखिए पूरा आकाश है जिसमें चमक रहे हैं, वहाँ बैठ के आज हम लोग गुरु का मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर सकते हैं, और हम जाप कर सकते हैं शिव लक्ष्मी गणपताये नमः,
इसमें से जिसको जो भाता है वो उस मंत्र को जाके हम चम हम लोग इसलिए करेंगे, गुरु का जन्मदिन है गुरु बाबा महाराज के, वो हमें आशीर्वाद दे, हमें और भी ज्ञान मिले भक्ति मिले, इसलिए गुरु से प्रार्थना करेंगे। दो दिन हम लोग कोशिश करेंगे अपने घरों में भी। इसके अलावा जिनको धन चाहिए वो धनलक्ष्मी जप करे, ज्ञान चाहिए सरस्वती का जाप करे, छोटा छोटा मंत्र है इस जापी को देखिए बहुत अच्छा लगेगा, शरीर को एकदम शीतल कर देगा। जाप करिए पप्पू, अब जो हल्का देना बच्चा हल्का म्यूजिक साथ आप धीरे धीरे हम चम हम चम हम चम ऐसे गुरु का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लक्ष्मी गणपताये नमः, लक्ष्मी गणपताये नमः, अथवा जिसको एक के बाद एक भी मंत्र उठा लो आप लोग उसको जाप करिए, 3 मिनट जाप करिए, ज्यादा नहीं 3 से 5 मिनट देंगे, और खूब आनंद से जाप करो।
आस्ते आस्ते हम लोग टर्न करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे, वैसे ही जैसे हम लोग आते हैं दूसरे टर्न से नीचे की तरफ आते हुए हम लोग अपने गुरु महाराज को प्रणाम करें। श्वेतम वरम परिधारम श्वेत मंदन रेपुरम, एकदम श्वेत माँ कपड़ा पहने हुए श्वेतमाला परिधारणा सुंदर श्वेतमाला पहने हुए से और उनको प्रणाम करते हुए गुरु आज अभय हस्त लेके हम उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप उनको सात्विक स्वरूप है ये, आज उन्होंने हम लोग को बड़ा सुंदर दर्शन दिया, बहुत सुंदर श्वेत श्वेत है, देखिए कितना सुंदर चारों तरफ श्वेत वर्ण दिखाई दे रहा है। बाबा को प्रणाम करते हैं, वहाँ पर गुरु को प्रणाम करते हैं, नहीं सारे गुरु महाराज को प्रणाम करके हम लोग उन्होंने रास्ता दे दिया। हम घूमता हुआ नीचे को आए और आके उनको नीचे की तरफ उसमें हम लोग सूक्ष्म नाड़ी में जहाँ से हम गए थे उसी नाड़ी में से दूसरा भाग से हम नीचे को आ रहे हैं। आस्ते आस्ते नीचे को आया, आस्ते आस्ते नीचे आया और आके हम उसमें आज्ञा में वहाँ प्रणाम किया शिव जी को, रुद्र को प्रणाम किया, रुद्रानी को प्रणाम किया, अर्धनारीश्वर स्वरूप है वहाँ पर प्रणाम करके उनको चरण का स्थान पर प्रणाम करके फिर नीचे में आए और आस्ते आस्ते हम लोग नीचे विशुद्धा में पहुँचे। विशुद्धा में से हम रुद्र को प्रणाम किया, शक्ति को प्रणाम करते हैं नीचे को जा, फिर रास्ते में आते हैं, फिर ब्रह्म घाट की तरफ आते हैं, ब्रह्म ग्रंथि को खोलते हैं, ब्रह्म ग्रंथि को खोल के नीचे को आते हैं, स्वाधिष्ठान में पहुँचते हैं, स्वाधिष्ठान में उनको प्रणाम करते हैं शक्ति को और रुद्र को, फिर हम लोग ग्रंथि की तरफ आते हैं, हम लिफ्ट की तरफ आ रहे हैं एकदम सो सो करते हुए नीचे उतर रहे हैं, फिर हम लोग उनको ब्रह्म ग्रंथि में अटका हुआ खुला एक एक फ्लोर जैसा होता है ऐसे ही होता है लिफ्ट में जा रहे हैं आप, फिर दूसरा आप आ गया है नीचे, वहाँ से आप उनको दोनों को प्रणाम रुद्र कर उनको शक्ति को प्रणाम किया आगे और नीचे जा रहे हैं हम लोग। अधिष्ठान से हम लोग नीचे जा रहे हैं, नीचे मूल में पहुँचे वहाँ हम सबको प्रणाम करेंगे, जो लोग हैं सभी लोग नीचे बैठे आधार मूल में तो उनको प्रणाम किया और करने के बाद ब्रह्मनारी से होता हुआ नीचे मूल में जा रहे हैं। मूल श्रृंगार्थ श्रम सुषुम्ना पत्र जीवम शिवम परम शिवम पति यमी स्वा लिंग शरीरम शोषाय शोषाय स्वा शंख च शरीरम दस्वा मूल्य सिंघाट मूल्य सोलस्व जल जल प्रज्जल प्रज्जल हम सब सुहा सब कुछ सुहा हो गया हमारा। हम छोटा सा वो जीव जो चमक रहे थे खारिश थे जिनमें कुछ कलुष नहीं है उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ना अन्न ना वस्त्र ना खाद्य ना निद्र कुछ नहीं हुआ ना खाली आनंद ही आनंद होता है। वो आस्ते आस्ते ट्रायंगुलर का मुंह पे आ गया और बाहर अपने पार्थिव शरीर जो हम लोग रखे जाते हैं फिर उसके अंदर प्रवेश करके और आत्मस्थित तो अपने स्वाधिष्ठान है वहीं पर आके हम लोग दोबारा स्वाधिष्ठान सॉरी अनाहत में हम दोबारा आके बसते हैं और वहीं पर पार्थिव शरीर का पुनर्कार कर्म जीवन नामधारी जीवन, नामधारी जीवन में शुद्ध खाली कर्म है, अहनिशी कर्म है। अच्छा कर्म करोगे सब गुण गान गाएगा, थोड़ा सा इधर उधर करोगे सब बदनाम करेंगे, यहाँ कर्म करोगे तो बाबा अकर्म होगा तो कोई नहीं। हम लोग उस स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ परिवार नामक एक संसार है जिसको अपना समझते हैं उस जगह में पहुँचे और अपने जीवन यापन में फिर व्यस्त हो जाएंगे। आपको मन जिनको जिनको संसार ही है सोच रहे हैं अभी बच्चों को खाना देना ये करना वो करना सो करना जो किया है वापस तो उनको अभी सब शुरू हो गया तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ हरि ओम करके हम लोग नमस्कार करेंगे हरि ओम और अपने दोनों हाथ को खींचेंगे अपने ऊर्जा को अपने अंदर दोबारा भेजेंगे ऐसा करके और उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो आज हमने जो प्राणायाम नहीं कर सकते कोई अस्वस्थ लोग है अस्थमा पेशेंट है
या प्राणायाम कर नहीं पा रहे हैं, वृद्ध होने के कारण ने कभी नहीं किया, अब नहीं कर पा रहे हो, तो कई लोगों को देखा मिठू की माँ भी ऐसे है और ये लोग है, कोशिश करते रहते हैं लेकिन कोशिश के चक्कर में फिर अंदर नहीं प्रवेश कर पाते हो, अंदर नहीं जा पाते हो। तो हम ऐसे जा सकते कि हमारा सब कुछ एक एक करके लय हो गया, आस्ते आस्ते हमारा भूमि जल शरीर चला गया, हमारा जल शरीर, हमारा अग्नि शरीर, हमारा वायु शरीर, हमारा आकाश, सब मिल मिला गया, फिर भी हम हैं, हम हैं तो इतना छोटा जो औकात है, हम लोग कोई परिचय नहीं है, लेकिन उसी परिचय ही महापरिचय है, वो अंदर को कैसे जाते हैं। तो जो प्राणायाम नहीं हो रहा तो और उसको पीछे पड़े मत रहो, तो ऐसा करके आप लोग आगे को जाओ, वहाँ जाके आप जब अंतरिक्ष में, अपना अंतरिक्ष में आप जाप करोगे, वो जाप आपको अपने आप सटीक कर देंगे। ये नियम है, सदगुरु है इष्ट, अगर आपने इतना जाप किया, इष्ट के प्रति इतना भक्ति रखा है तो आपको जानिएगा, वो अपने आप लोगों को रास्ता दिखा के ले जाएंगे और सब कुछ करेंगे। वाद्य हैं, जैसे गुरु करवाते हैं वैसा इष्ट भी करवाते हैं। और किसी भी हालत में आँख को मत खोलिए, आँख को बंद करिए, उन रंगों को पहचानिए। देखिए इसमें जो रंग आते हैं, अष्टवर्ग के रंग, आठ वर्ग के रंग आते हैं, इन रंगों को आप देखिए, पहचानिए। ये रंग, एक एक रंग का एक एक माने होता है। अधिक लाल होगा तो एक्साइटमेंट है, पीली है तो शांति है, फैल जाना होता है, सफ़ेद है तो एकदम ही फैल जाता है, काला है तो कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन उसमें भी एक वो होता, चंचलता होता है, हम उसको भेद करते तभी, और भेद करके हम लोग आगे की तरफ जाता है। अगर सब रंगों का भाव होता है, आप लोगों को जो चार्ट दिया मैंने उसमें आप सोम चक्र और मानस चक्र में देखिए, उसमें भाव का बात है, कैसे कैसे हमें भाव पकड़ते हैं, कैसे कैसे हमारा साधना में मुश्किल रंग बदल देता है, तो उसको उसको भी देखो। साधना में कितना समय दे दो, अगर साधना में जो लोग वहाँ रहते हैं, जिन लोगों को हम ध्यान धारण कर रहे हैं, वो अगर हमारा साथ नहीं देता है तो हम साधना कैसे करेंगे। वो हमें तब साथ देंगे जब उनका हम अनुयायी होने जाएंगे, उनके प्रति विश्वास, प्रेम, उनके लिए हमारा मन, आपके लिए ही तो आया है यहाँ पर, किस लिए आया। हम लोग इतना चक्र भेद करके हे प्रभु आपके पास आए, देखिए हम अज्ञान है, हमें ज्ञान दीजिए। माताओं के पास क्यों गए, सारा संसार के जितनी ज्ञान, स्वर ज्ञान, गाना गाओगे तो माता के पास, आप पढ़ाई लिखाई करोगे तो उन माताओं के पास, अति ज्ञान चाहिए तो उन माताओं के पास, उसमें उनकी शब्द, उनके रंग, उनका ज्ञान से फिर माताएं जन्म लेता है। दुर्गा, काली, ये दस माँ विद्या वगैरह आपको लोगों को दे रखे हो, उसी पढ़ो, वर्णमाला में है कि एक एक वर्णों से सारा संसार का देव देवता को उत्पन्न हुआ, देवी देवता को नाम हुआ है। आज अगर हम काली, कृष्ण या विष्णु और ये ब्रह्मा सरस्वती से बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, नाम बोल रहे हैं, तो कहाँ से आया, इसी वर्णों मातृकाओं में से उनका उत्पत्ति हुआ, वो ऐसे उत्पत्ति नहीं हुआ है। प्रत्येक देवी देवता उन्हीं के मुख से, उन्हीं के विद्याओं में से उनका विवर्क है। जो शब्द है तो ये मातृका है, कोई देवता ऐसा तो नहीं है, इंद्र भगवान बोलो, ये भगवान, बृहस्पति भगवान, तो इनका कोई नाम भी ना थोड़ी ना है, नाम है मतलब बढ़ना है, बढ़ना है मतलब शब्द है, शब्द लय है, तो अब उसको जब बुलाएंगे तो तभी उस नाम से परिचय हो गया, तभी वो आपको आवाज़ देंगे, हाँ बेटा मैं इधर। तो इसलिए वर्णवासी को जानना ही नहीं है, उनके ऊपर अपने बच्चों को घर में बैठ के भी सिखाइए, अगर ज़रूरत है आप हम लोगों से भी ले सकते हैं, हम ऐसे भी दे सकते हैं। सबसे पहले शब्दों को जानो, शब्दों को पहचानो और साथ साथ उनको मूर्तियों को पहचानो, वो कैसे देखने में, जैसे हम लोग माता सरस्वती उसमें चार भुजा वाला, एक बिना लिए और एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में कलम, बड़ा भाई लिए माता नजर आते हैं, जब कहते सरस्वती तो वो आ जाता है, लक्ष्मी तो ऐसा स्वर्ण कलश लेके, बहुत धन संपत्ति और सब लेके, कमल दोनों हाथ में कमल है, एक गज लोग स्नान करा रहे, करा रहा है, वैभव है, तो लक्ष्मी, तो जब भी हम शब्दों को बोलते हैं तो उनको शक्ल नजर आते हैं ना, उनका परिचय है, जब हम उनका नाम बुलाते तभी उनको शक्ल सामने आते हैं।
इसी तरह से जब हम लोग जिस मात्रे का जो वर्ण है, जब उनको अच्छी तरह से पहचान जाएंगे, उनको शब्दों को ठीक से बोलने लग जाएंगे, इस संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। जो आप शाक्त है, जैसे शिवानंद आप हो, और जो लोग माँ का उपासना आप लोग करते हो, आप शिव जी का उपासना करते हो, बाकी माँ का भी करते हो, और भी शिष्य लोग जो है जो मातृ सेवा करते हो, तो मातृ का न्यास करते हो। मातृ का न्यास क्या है आप उसको ध्यान पढ़िए। आधारे लिंगो नाभो हृदय ससीजे तालु मूले ललाटे दे पत्रे सुरसारे दिदस दले दादस शुद्ध चतुष्के भाषांते बाल मध्य एक सही थे स्वर्णम, है ना। ये तो कुंडलिनी साधना ही तो है। आप स्थूल रूप में ध्यान करके न्यास करके उन एक एक पंखड़ियों को अपने अंदर बैठा रहे हो, ऐसा करके ऐसा करते करते मध्यम पोषक अनमेक हूँ अनिष्ट स्वकर तल पृष्ठ अस्त्र पट करते हो रंग हृदय नमक से चौकर एक एक करके शब्द ही तो आए। इन मतृकाओं को आप अपने शरीर के अंदर इसके तरह बैठा देते हो, जैसा एक एक जगह में बैठा बैठा के मातृकाओं को हम लोग बैठा देते हैं प्रैक्टिस से एकदम अंग की तरह। फिर ध्यान करते हैं, जिस देवी का पूजा करते हैं, फिर उनका मानस पूजा करते हैं, फिर विशेषज्ञ स्थापना करते हैं, तो क्या है, यही तो है। वो स्थूल साधना कर रहे हो मातृका द्वारा, और यहाँ पर आप लोग सीधा ध्यान कर रहे हो, तो सीधा में आपको इतना खर्चा पाती नहीं होता है, कुछ नहीं, फूल फल कुछ नहीं चाहिए। उसमें मानस पूजा हो गया कि हृदय फूल को दिया, धूप वायु दीप हमारा प्राण दीप है, धूप हमारा स्व ये है, हमारा इंद्रिय आपके लिए दास है, हमारा सत्कर्म आपके लिए खाद्य है, आकाश तत्व आपके लिए छतरी है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं ना, वही तो है कुंडलिनी साधना। कुंडलिनी साधना कुछ अलग से नहीं है। स्थूल में फिर हम लोग पूजा पाठ तर्पण अर्पण बहुत विशाल तत्व करते हैं, चक्र पूजा करते हैं। तो चक्र का मतलब क्या है, कुंडलिनी चक्र ही तो है। जो साधक जिस चक्र का अभ्यास होता है उसी चक्र में जाके बैठ के पूजा करता है, चक्र उपासना करते हैं, और जो जैसा करते हैं वैसे ऐसा फल पाते हैं, वैसे वैसे साधक बनते जाते हैं। स्थूल पूजा हो गया, और जो अंतर पूजा में जाएगा, एक एक चक्रों में भेद करके दूसरे चक्र में जाने में जान निकल जाता है। तो ये चक्रों का भेद करना जानना बहुत जरूरी है, लेकिन ये जो कराएंगे मातृकाएं, इनको जानना बहुत खास जरूरत है, वो जरूरी है। हम तो ये कहते हैं सब जिनको जिनको मंदिर है, मंदिर बना रहे हैं और भी मंदिर है, और लोग ब्राह्मण सुन रहे हो तो लोग जिन्होंने मंदिर बनाते सुनो। जब भी आप मंदिर बनाते हो उसमें मातृका वर्ण 27 नक्षत्र नवग्रह वगैरह इन जो सब जरूरत की देवी देवता है इनको भी मूर्ति के चारों परस अंदर में इन छवियों को लगाना चाहिए, तो आदमी जानेगा साधना कैसे क्यों करना चाहिए। एक देवी से कोई साधना नहीं होता। और शिवानंद जी प्रोग्राम के बाद हमसे ज़रा बात करिएगा, आप टेलीफोन से बात कर लीजिएगा, हमसे बात करना है मुझे, सुनाई दे रहा है, लिखना तो आता नहीं इसको। और किसी को कुछ बोलना है, हम लोग अब कई दिन का छुट्टी पे जा रहे हैं, हम अब 7 तारीख तक छुट्टी में रहेंगे, और जाके 8 तारीख या 9 तारीख को हम लोग उसे मिलेंगे, सेहत भी अच्छा नहीं है। 7 तारीख को तो आप लोग दिन भर हमको देख ही पाएंगे, जब जब ऊपर बैठेंगे सुबह भी देखेंगे 2-3 घंटा भजन में, और शाम को भी देख पाएंगे। तो बाकी दिन छुट्टी बोलेंगे इतना कुछ नहीं, जो भी होगा आप लोग को सीधा दिखाई देगा, जहाँ भी हो सबको दिखाई देंगे। आप अपने अपने स्थान पे भी कर लीजिए थोड़ा बहुत, लेकिन सावधानी रहें, अनुशासन को माना करो, दूरिया को मेंटेन करो, जो जैसा बोलते हैं सरकार अपने इसको मेंटेन करो। हमारा मन आप लोगों के लिए नहीं हो रहा, ज़रूर हो रहा है कि बच्चे मेरे पास आए, वो क्या करें कैसे करें समझ नहीं आता है। अब तो मना अभी तक मना तो छूटा नहीं, और दिल्ली में बहुत फैल गया, हर जगह में फैल रहा है दोबारा से, कईयों को जानने पहचान बच्चों को हो गया, हमने जैसे जैसे बताया बस फेडअप हो गया, कारा पीना छोड़ दिया आप लोगों ने, जिसने कारा नहीं पिया सब दुखी इस वक्त है, कई लोगों को तकलीफ हो चुका है। ने कितना बोला कारा पियो, सरकार ने बोला है कारा को पियो,
खाना पीने से अंदर गर्मी बना रहेगा, लंग्स वाला जो सबसे खतरनाक वो नहीं होगा, जो डॉक्टर से भी कहते हैं करा, कोई भी दवाई देते साथ में करा पीने को कहते हैं। तो करा पियो, आप लोग सावधान रहो, मुंह ढक के रखो, मत्था ढक के रखो, नहीं सुनते हो मत्थे में कपड़ा देने में क्या होता है, सब ठीक रहना। हम सबको आशीर्वाद देते हैं और आपको अब मैं 8 तारीख को फिर क्लास में मिलेंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को जितना यथेष्ट सिखाया, आप लोग करना चाहिए, आप लोग नहीं करते हो सब भाई, हमको पता लगता, कोई भी करोगे दरवाजा नॉक मेरा तो करेगा, मेरे से बाहर तो जा नहीं सकता। जैसा द्वादश में बैठे हैं ना, द्वादश में तो हम लोग आई ना, वो दरवाजा बगैर खकराया बाहर नहीं जा सकते हो, इसलिए कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा हमें पता लग जाता है। तो आप लोग रोज अपना एक टाइम बना लो, अरे कोई टाइम नहीं है, सोते वक्त बिस्तर में बैठ कर थोड़ा करके ध्यान करके पलट जाओ और पलट के बैठे बैठे अपने को अंदर ले जाओ, ध्यान करके यहीं छोड़ के सो जाओ, जाप चलता रहेगा, सुबह उठ जाना, क्यों नहीं करते हो। इतना सुंदर आप लोगों को सिखाया मैंने, कई आज देखिए बिगर प्राणायाम का सिखा दिया, जिनको प्राणायाम नहीं होता, नहीं होता तो नहीं होता, अब क्या करें, थोड़ा सा ओंकार कर लो आस्ते आस्ते, जैसे छोड़ो हरिओम आस्ते आस्ते, तेज तेज नहीं करना, करते करते आपको अपने आप अंदर घुस जाओगे, सो जाओ आप, सो जाइए फिर चलता रहेगा साधन। साधना करो, कोई नींद भी हो जाएगा साधन भी हो जाएगा, कम से कम रास्ता को उस पार तो जा ही सकते हो। अभी भी इस पार में हम सब खड़े हैं बेटे, तो सबको मेरा आशीर्वाद, सुखी रहो।